मधवापुर प्रखंड के सहारघाट स्थित केरवा गांव में बुधवार को नेपाल के पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव दरभंगा से वापसी के क्रम में पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ने कहा, भारत और नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है। यह संबंध कई युगों से रहा है और आज भी है। राजा विदेह ने राजा दशरथ के साथ जो नाता जोड़ा वह आज भी कायम है। दोनों देश के संस्कृति परस्पर एक समान रही है। यही कारण है कि कभी इन दोनों देशों में आने जाने के लिए कोई वीजा आदि का प्रावधान नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत नेपाल के बीच होने वाली हर गतिविधि का असर एक दूसरे देश पर पड़ता है। आजादी की लड़ाई में दोनों देश के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसलिए हमारा संबंध धार्मिक, पौराणिक और पारिवारिक स्तर पर भी भारत के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भौगोलिक परिदृश्य पहाड़ों से जुड़ा है, जहां ढलान से होते हुए वर्षा का पानी भारतीय सीमा में प्रवेश कर तबाही मचाता है। हम दोनों देश के सरकारों और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी निदान के लिए संयुक्त रूप से पहल करें, इससे दोनों राष्ट्रों का कल्याण होगा। हिमालय की गोद से निकली नदी के जल संचयन कर उसका वैकल्पिक सदुपयोग किया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के द्वारा नदियों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी उपस्थित लोगों से ली, जहां लोगों ने कहा कि भारत में इससे बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, हाँ, यह अच्छा है और सुखद संदेश देने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से भारत और नेपाल के साथ ही पूरा विश्व प्रभावित रहा है। इस वैश्विक महामारी को लेकर भारत और नेपाल दोनों ही देशों में अब भी इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि कोरोना के टीके लेने में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मंगलवार को अपने पुत्र मोहन यादव को दिल्ली जाने के क्रम में दरभंगा गए थे, जहां वो बुधवार की शाम को वापसी के क्रम में करीब एक घंटा तक केरवा गांव स्थित अपने रिश्तेदार शिक्षक तेजीलाल यादव के यहां रुके थे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी स्वागत को बेताब दिखे। उन्होंने लोगों को मास्क का प्रयोग करने की भी हिदायत दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र और मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया। एक घंटे तक ठहरने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के काफिले के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए। एसडीएम अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, बीएसपी एसएचओ संजय कुमार, हरलाखी सीओ सौरभ कुमार, हरलाखी एसएचओ प्रेमलाल पासवान, सहारघाट एसएचओ सुरेंद्र पासवान, एएसआई जामुन प्रसाद समेत अन्य पुलिस बल विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में व्यस्त दिखे। मौके पर भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष के चौधरी, पूर्व विधायक रामाशीष यादव, अवकाश प्राप्त शिक्षक गंगा प्रसाद यादव, गुलाब यादव, पूर्व मुखिया भोगेंद्र यादव, प्रदीप यादव, संजीव यादव, दिलीप यादव, पूर्व मुखिया रामनंदन शाह, सुमित रंजन, संजय यादव व अमरनाथ यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। निधि भ्रमण में है, दरभंगा में निधि काम था, लोगों से मिल करके हम अब लौट रहे हैं। अभी कल हम आए दरभंगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्फी खास है वो आपकी गवर्नमेंट एक सामयिक मुद्दा है और उसके बाद हम अभी निर्माण में हो रहे हैं। हम अपने रिलेटिव के घर में हमारे बगल में मिश्रा जी हैं, के मिश्रा जी, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, नेपाल में काठमांडू में कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वहाँ, ये हमारे पुराने मित्र हैं। ऐसे ही हम कोलिन के लिए इधर आ गए, जनकपुर आए थे तो हम इधर लोगों से मिलने आए, अपने रिलेटिव लोगों से मिलने आए, तो बिहार सरकार ने और उनके तरफ से सरकार के तरफ से उन्हें स्वागत किया गया। बड़ी खुशी है, हम आपके पड़ोसी देश के हैं, भारत नेपाल का सदियों से जो संबंध है और बहुत सुमधुर संबंध है। हम चाहेंगे भारत की जनता और नेपाल की जनता और भारत और नेपाल सरकार दोनों मिलकर के हमारी जो सदियों से हमारा भूगोल, हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास
आज़ादी की यहाँ लड़ाई हुई, हमारे लोग इसमें शहीद हुए, हमारे यहाँ प्रजातंत्र की लड़ाई में भारतीय लोग शहीद हुए, तो हमारा बहुत ही आधार संबंध है, पौराणिक संबंध है और वो संबंध हम अपने देश का नेपाल का पूरा सकते हैं, तो हम कामना करेंगे जैसे सदियों से हमारा संबंध है वो तो संबंध हमें कायम रहे, जनता के स्तर पर हमारा सांस्कृतिक हमारा धार्मिक जो संबंध है वो सब कायम रहे और भारत सरकार नेपाल सरकार मिल करके जाएं, भारतीय जनता नेपाल की जनता को सुख शांति हो उसके विषय में काम करे, यही हमारी कामना है। आपने पौराणिक संबंध की चर्चा की, एक सामयिक मुद्दा है और बड़ी समस्या है मित्र राष्ट्र दोनों देश के बीच बाढ़ की समस्या, जो नेपाल से आने वाले पानी को बहुत बड़ी क्षति होती है, यहाँ मिथिलांचल में खासकर बहुत बड़ी क्षति होती है और यह अस्थाई समस्या है। इसके निदान में दोनों देश को बैठ के वहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता से इस का निवारण के लिए कोई उपाय करना चाहिए, क्या कभी इस मामले में आप लोगों की पहल हुई और क्या कुछ नतीजा आया है या कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी बार बार आवाज़ लगाते रहे हैं, यहाँ के पूर्व विधायक राम आशीष यादव, इनका प्रधान मुद्दा रहता है बाढ़ सुखाड़ के निदान, डैम बनाने वगैरह वगैरह, इस विषय पर क्या मानना है? आपने कहा नेपाल के भूगोल के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो 80% वो पहाड़ी एरिया माउंटेन शिवालिक महाभारत और हिमालय और तराई का सिर्फ लगभग 20% तराई की भूमि, मानसून की जो यात्रा है प्रशांत महासागर से जो होता है हिमालय से टकरा करके जो बारिश होती है, तो हमारा हिमाल महाभारत और दिवाली लड़ाई और आपका प्लेन, तो पानी हम आप लोग जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण उसका बहाव होता है, ये इससे जो आपने मुद्दा उठाया वो बड़ी पुरानी मुद्दा है और हम कामना करेंगे, उस पर काम हो रहा है, दोनों सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे इस समस्या का समाधान दोनों देश के जनप्रतिनिधि दोनों देश के सरकार मिलकर के इसको समाधान करें, ये मैं भी भारत सरकार नेपाल सरकार मैं भी अपील करता हूँ। धन्यवाद। सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई उस सब पर नहीं जाएंगे, वो हम नहीं कर, यहाँ वो हमारे सरकार और आपके सरकार के बीच की बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे, सरकार स्तर पर अपना नहीं, हम चाहेंगे तो सब मिल करके समाधान करें, आई टी हिसाब से वृद्धि के हिसाब से बैठ कर समाधान करें। भारत और नेपाल के बीच में विशिष्ट संबंध जो है उस पर नेपाल में भी क्वेश्चन होता है, क्यों विशेष संबंध, चीन से क्यों नहीं, दूसरे देश से क्यों नहीं, भारत से क्यों, आ हिनकर यात्रा साबित कर दिलक जो विशेष संबंध छह, आ विशेष संबंध के कारण हमर सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण बाबू आई गांव के देहात में आकर दोसर राष्ट्रपति नहीं है ना अब इनका हम सब पूरा आशीर्वाद दे के हम सब आशीर्वाद दे दोबारा बढ़िया बढ़िया पद पद पर जा विशेष संबंध के प्रमाण छे कि नहीं छे जे नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति केरवा में आई छे खून के संबंध के साबित कर रहा है कि नहीं, दोसर गप ऐतिहासिक जो संबंध छे विराटनगर एक जगह छे
ओहिठाम राजा विराट के बेटी के बियाह होइ छै बेटा ओकरा उत्तरा से पांडव से राजा परीक्षित हुनके पुत्र छै जानकी जी के सम्बन्ध छै राम से ओहि सब सम्बन्ध के आइ रिन्यूअल कऽ देलखिन हमर राष्ट्रपति। अरे राजा नहीं छथि राजा के कुर्सी पर तो यह आदमी बैसले पहला कुर्सी पर के बैसले जनक जानकी के नहीं बिसरबै चाहत कह रहा छी जे जानकी जी के सम्बन्ध अयोध्या से भेले सब के हमर राष्ट्रपति आई ताजा कर दिलखिन।